नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर में आपके साथ मैं हूँ श्वेता। एस त्रिपाठी शो में होगी 24 घंटे की सबसे बड़ी खबरें पूरी रफ्तार और विश्लेषण के साथ। चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। उत्तर प्रदेश में सिपाही और दरोगाओं की भर्ती को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन वीके गुप्ता आज जी संगम के सामने आए। उन्होंने दावे के साथ कहा कि जिस तरह की चयन प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं हो सकती। बोर्ड के चेयरमैन वीके गुप्ता के मुताबिक जो आंसर शीट थी उसकी 3 कॉपियां थी और 3 में से 1 कॉपी छात्र को दी गई थी, 1 जांचने के लिए गई थी और 1 बोर्ड के पास थी। 1 कॉपी इसके नेट पर भी अवेलेबल है, अगर छात्र चाहें तो उनके पास जो कॉपी है आंसर शीट की उससे नेट पर अवेलेबल आंसर शीट की कॉपी को मैच कर सकते हैं और कोई गड़बड़ी हो तो आपत्ति कर सकते हैं। गड़बड़ी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के जो परिणाम घोषित किए गए हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र, निष्पक्ष और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इस बार सिपाही की भर्ती के लिए तकरीबन 22 लाख लोगों ने आवेदन किए थे। पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें तकरीबन 3 लाख आपत्तियां आई थी। इस बार की भर्ती में महज 27,000 आपत्तियां आई हैं और उनकी जब जांच की गई तो सिर्फ 30 आपत्तियां ही सही निकली। इनमें से ज्यादातर वे थी जिनमें छात्रों ने अपने रोल नंबर गलत लिख दिए थे। लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बार फिर घोटाला सामने आया है। इस बार छोटे आवंटियों को बड़ा प्लाट आवंटित करने का मामला सामने आया है। इस पर कार्रवाई करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC सत्येंद्र सिंह यादव ने 3 बाबुओं को सस्पेंड कर दिया है। LDA में बाबुओं के एक बड़े खेल का खुलासा हुआ है। इन बाबुओं ने मिली भगत कर छोटे प्लॉट पाने वाले आवंटियों को बड़ा प्लॉट आवंटित कर दिया। यही नहीं, इससे जुड़े सभी दस्तावेज भी गायब करवा दिए। मामला गोमती नगर विस्तार का है। मंगलवार को मामले का खुलासा होने पर इससे जुड़े 3 बाबुओं गिरीश शर्मा, काशीनाथ और सुरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। फर्जीवाड़े से जुड़ी फाइलें न मिलने पर VC ने दूसरे आवंटियों की फाइलें भी तलब कर ली। वहीं इस पूरे मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी चुप हैं, तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण यूनियन के सदस्यों का कहना है कि जो हेराफेरी हुई है उसमें बड़े अधिकारी भी संलिप्त हैं। अगर छोटे अधिकारियों ने कोई गलत काम किया है तो निश्चित तौर से वो बड़े अधिकारियों के संज्ञान में और उनकी देखरेख में किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अधिकारी भी अब अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला PWD विभाग का है, जहां पर 52 कर्मचारियों के फर्जी नियुक्ति हुआ है। बावजूद इसके विभागीय अधिकारी इससे मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। जनपद का लोक निर्माण विभाग, जहां 2004 में 52 ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति किया गया है जो विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार 5 साल की उम्र में ही नौकरी हासिल कर लिए। इसकी शिकायत विभाग के ही निलंबित कर्मचारी गिरजा शंकर राय ने किया था, जिसकी पुष्टि करते हुए मुख्य अभियंता वाराणसी ने मुख्य अभियंता लखनऊ से किया। इसकी खबर जी मीडिया ने भी प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद शासन से अब विभागीय कार्रवाई की क्या हुआ इसकी जानकारी के लिए पत्र भी आना आरम्भ हो गया है। 4 मार्च को शासन के विशेष सचिव का पत्र आया और उसमें उन्होंने पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुआ। वहीं विभागीय अधिकारी इसे फर्जी मानने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नियुक्ति गलत हुई है लेकिन फर्जी नहीं। फर्जी नियुक्ति होने के बाद भी विभागीय अधिकारी इसे खाया पिया पचाया करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि नियुक्ति गलत तो हुआ है लेकिन फर्जी नहीं है। अपना स्कूल छोड़कर आए दिन वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के लिए जगह जगह घूमने वाले उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के सरकारी अध्यापकों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन सरकारी स्कूल के अध्यापकों को अब गैर अध्यापन की ड्यूटी पर तैनात करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने हम लोगों की बात मान ली और ये कहा कि ये टीचर सिर्फ टीचिंग के लिए है और आर्टिकल में भी है प्रोवाइडेड और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, उसमें भी लिखा है टीचर को सिर्फ आप टीचिंग में लगा सकते हैं और किसी कार्य में नहीं लगा सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक वकील सुनीता शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह भी कहा है कि केवल आपदा और जनगणना के कार्यों में विशेष परिस्थितियों में इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके अलावा अब ये शिक्षक केवल और केवल अध्यापन का कार्य करेंगे। संविधान की धारा 21 के अंतर्गत शिक्षा के मूल अधिकार को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखकर यह मांग की है कि 2016 में प्रवासी भारतीय दिवस आगरा में मनाया जाए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इसके पीछे मंशा यह है कि उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग की जाए। 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार को विधानसभा के चुनाव में जाना है, उससे पहले छवि पर काम कर रही उत्तर प्रदेश सरकार ई ब्रांडिंग उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए तमाम सारी कवायदें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं, निवेश को लेकर के मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, लखनऊ, विदेशों में भी तमाम सारी सबमिट की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि प्रवासी भारतीय दिवस आगरा में मनाया जाए। आगरा शहर को एक ब्रांडेड शहर के तौर पर उत्तर प्रदेश के तय करना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, इसीलिए आगरा में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। एक साल पहले मेघालय से 5 चावल कारोबारियों का अपहरण हुआ था। उन 5 लोगों के परिवार के लोग वाराणसी स्थित प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे। 5 परिवार के लोगों ने आज वाराणसी स्थित प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय के बाहर धरना दिया। पत्रक के जरिए परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई। आज से एक साल पहले मेघालय के उग्रवादियों ने 5 चावल कारोबारियों का अपहरण कर लिया था और एक एक व्यक्ति के बदले 50-50 लाख रुपए की डिमांड की थी। परिजनों ने बलिया से लेकर बक्सर तक और मेघालय से लेकर दिल्ली तक सभी एजेंसियों और तमाम अधिकारियों को घटना से अवगत कराया, लेकिन किसी भी एजेंसी ने कोई मामले की जानकारी नहीं होने की बात कहकर परिजनों को चौंका दिया। परिजन अब इस बात को लेकर सशंकित हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन 5 लोगों की हत्या कर दी गई हो। झांसी की सांसद उमा भारती और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की झांसी में इन दिनों तलाश हो रही है। चुनाव के समय दिन रात एक कर देने वाले ये दोनों नेता इस समय झांसी के लोगों के लिए बेहद दुर्लभ हो गए हैं। झांसी की सांसद उमा भारती और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गुमशुदगी के पोस्टर झांसी के कई चौराहों पर लगाए गए। भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के कई इलाकों में दोनों नेताओं के गुमशुदगी के पोस्टर लगाए। पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो लोग उमा भारती और राहुल गांधी का पता बताएंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और यहां आपदा जैसी स्थिति है। चुनाव के समय दोनों नेता बुंदेलखंड में दौरा कर लोगों के दुख दर्द में हिस्सेदार होने का दावा कर रहे थे। उमा भारती और राहुल गांधी गुमशुदगी वाले पोस्टर झांसी शहर में लगाए गए हैं। दरअसल इस सांकेतिक विरोध के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि इन दोनों नेताओं की झांसी में आवाजाही बेहद कम हो गई है। शुरू के फनकार भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान के कब्र गाह के लिए आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख रुपए की राशि की अनुदान जारी कर ही दी। पिछले साल सरकार बिस्मिल्ला खान के कब्रगाह की सुधि ली और बजट में 29 लाख रुपए पास हुए, लेकिन जिसे जारी नहीं किया गया, जिसमें से अब जाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख रुपए की राशि जारी की है। जबकि उनके बड़े पुत्र का कहना है कि हम हर साल सुनते हैं कि पिताजी के कब्र के लिए पैसे पास हुए हैं, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचते हैं नहीं पता चलता। ये हर साल खान साहब का ये सब ऐलान होता है, अब तक हमको ये पता नहीं कल तक आया कि नहीं आया। उत्तर प्रदेश शासन के इस पहल पर खान साहब के प्रशंसकों में खुशी की लहर जरूर दौड़ पड़ी है, लेकिन देखना ये लाजमी होगा कि जारी हुआ ये रुपया खान साहब के कब्रगाह को मकबरा में कब तब्दील करता है। पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने नोएडा के सेक्टर 62 में नेशनल टूरिज्म यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। नोएडा के सेक्टर 62 में नेशनल टूरिज्म यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। नोएडा में नेशनल टूरिज्म यूनिवर्सिटी का काम अगले 3 महीने में शुरू हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में नेशनल टूरिज्म यूनिवर्सिटी बनने के फैसले को लेकर आगरा और मथुरा के लोगों ने विरोध जताया है। साथ ही मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने इस फैसले को लेकर नाराजगी जताई है। हेमा मालिनी ने कहा है कि आगरा और मथुरा टूरिज्म के लिहाज से काफी संपन्न है, इसलिए नेशनल टूरिज्म यूनिवर्सिटी आगरा या मथुरा में ही होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखी गई सीएजी की रिपोर्ट में कई तरीके के खुलासे हुए हैं। सीएजी रिपोर्ट में इतना तो सामने आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट का पैसा खर्च ही नहीं किया। बस 2013-14 के लिए रखी गई सीएजी की रिपोर्ट में तमाम सारे सवाल खड़े हुए हैं।
सरकार ने तमाम सारे बजट का ऐलान किया लेकिन योजनाओं के पैसे जमीन तक नहीं उतरे, यहाँ तक कि कई राशि जो है वो सरेंडर तक करनी पड़ी। अनुपूरक अनुदान में भी जो पैसे तय किए गए थे उन पैसों को भी खर्च करने में सरकार असफल रही। यही नहीं, राहत आपदा को लेकर के भी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से जो पैसा खर्च किया जाना था वो पैसा भी खर्च नहीं हुआ। 2010-11 से लेकर के 13-14 के बीच की आई रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई कि तमाम जो पैसे थे वो ठेकेदारों सप्लायरों की मदद में खर्च किए गए बजाय इसके कि इनको पीड़ितों किसानों तमाम जो बाढ़ प्रभावित लोग थे उनके लिए मदद में खर्च किया जाता। अब सवाल इस बात का है कि राहत आपदा को लेकर के इतने सारे सवाल केंद्र और राज्य के बीच उठ रहे हैं, राजनीति का विषय बना हुआ है और बजट का पैसा खर्च न कर पाना, क्या ये मुद्दा भी राजनीति का विषय बनेगा? ललितपुर जिले में विद्युत विभाग द्वारा जहां आम उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं तमाम सरकारी विभागों से विद्युत बिलों की वसूली करने में विद्युत विभाग को पसीने छूट रहे हैं। जिले के तमाम सरकारी विभागों पर करीब 7 करोड़ रुपए बिजली बिल का बकाया है। अब ललितपुर जिला में विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिलों की वसूली करने को विभाग ने अभियान चला रखा है लेकिन सरकारी विभागों से बिल के करीब 7 करोड़ रुपए की वसूली करने में विद्युत विभाग के अधिकारियों को पसीना छूट रहा है, जिसको लेकर विद्युत विभाग ने अब ललितपुर जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है, जिसको लेकर डीएम ने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखकर विद्युत बिलों की वसूली करवाने का आग्रह किया है, जिसमें बकायदा सरकारी विभागों के पास सालों से लंबित विद्युत बकाया धनराशि की सूची भी दी गई है। बिजली बिलों के बकाया की वसूली में जिस तरह से दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है वह भी सवालों के घेरे में है। यहां आम उपभोक्ताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके संयोजन काटने और जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज कराने तक का एक्शन लिया जा रहा है। वहीं सरकारी विभागों और VIP लोगों से वसूली करने में विभागीय अधिकारियों की हिम्मत जवाब दे रही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के मझले बेटे शैलेश यादव की लखनऊ में मौत हो गई। ये कहा जा रहा है कि व्यापम घोटाले में नाम सामने के आने के बाद से शैलेश काफी परेशान चल रहे थे, उससे उनको हाइपरटेंशन हो गया और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। शैलेश राम नरेश यादव के मझले बेटे थे और उनके साथ ही काम करते थे। उनका एक पेट्रोल पंप भी है जिसके कारोबार से वो अपने घर का खर्च चलाते थे, लेकिन राज्यपाल बनने के बाद से वो राम नरेश यादव के साथ भोपाल में ही थे और इसी बीच उनका नाम व्यापम घोटाले में आ गया। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और उनको कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस भी दी गई, लेकिन शैलेश किसी वजह से वहां प्रोड्यूस नहीं हो पाए और आज सुबह उनकी घर में ही मौत हो गई। शैलेश की मौत की खबर पाते ही तमाम लोगों का यहां पर तांता लग गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता राम नरेश यादव के बेटे को देखने के लिए यहां पर आए। पुलिस ने पोस्टमार्टम करना तय किया है और पोस्टमार्टम के बाद ही यह तय हो पाएगा कि आखिर शैलेश की मौत किस वजह से हुई है। गन्ने के बकाया के भुगतान और ओलावृष्टि का संकट झेल रहे यूपी के गन्ना किसानों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान 15 अप्रैल तक करने के आदेश दिए हैं। गन्ना किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि गन्ना मिल मालिक किसी भी हालत में तब तक अपनी मिल बंद नहीं करेंगे जब तक कि इन गन्ना किसानों की गन्ने की पिराई पूरी नहीं हो जाती। गन्ना किसानों का तकरीबन 500 करोड़ से अधिक का बकाया अभी भी इन मालिकों के ऊपर है, लिहाजा हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत देने वाला है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 अप्रैल को मुकर्रर की गई है। ट्रेनों में दिनों दिन बढ़ रही लूट, डकैती और जहर खुरानी की वारदातों को रोकने के लिए GRP ने अपनी कमर कस ली है। GRP द्वारा अगले कुछ दिनों में ही उत्तर रेलवे के सभी 17 रेलवे स्टेशनों में रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम लगाने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत उत्तर रेलवे के सभी 17 जिलों के रेलवे स्टेशनों में हर स्टेशन पर 8 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसे रेलवे के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। बेसिकली जो हमारा मुरादाबाद रेलवे स्टेशन है इस पे 8 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उन कैमरों का प्रसारण हम केवल रेलवे स्टेशन पे ना करके जो हमारा अनुभाग मुरादाबाद अनुभाग का जो कंट्रोल रूम है उस पे उसका रिले करा रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत GRP द्वारा मुरादाबाद से अगले कुछ दिनों में शुरू कर दी जाएगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बुखार लोगों पर किस हद तक चढ़ने लगा है ये देखने को मिला मेरठ के थाना सरदना क्षेत्र में, जहां पर क्रिकेट मैच को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला इतना बड़ा कि बात मारपीट से शुरू होकर
फायरिंग तक जा पहुंची। फायरिंग में एक युवक भी घायल हो गया। घटना मेरठ के पहली गांव की है, जहां वर्ल्ड कप में हो रहे मैचों को लेकर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। मामला इतना बड़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग भी कर डाली। गोली लगने से घायल युवक गयूर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। उसमें एक फायर होने की घटना की बात प्रकाश में आई है। हम लोग के द्वारा जो है मजरूह का वो मेडिकल करा दिया गया है और अभियोग जो है हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं। अभियोग पंजीकृत करके हम जो भी वैधानिक कार्रवाई वो करेंगे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद यह साफ जाहिर हो गया है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। क्या कोई माँ इतनी निर्दयी हो सकती है कि एक छोटी सी गलती के चलते अपने 6 साल के बेटे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दे? जी हाँ, पीलीभीत में ऐसी ही एक घटना सामने आई है। इसमें एक माँ ने अपने 6 साल के मासूम को महज 250 ग्राम चावल के लिए पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल थाना अमरिया के गांव भूड़ा कैमूर की रहने वाली गीता देवी ने अपने ही बेटे को मार दिया है। बताया जा रहा है कि गीता का पति गेदन मजदूरी करके घर का पालन पोषण करता है। घर में थोड़ा अनाज रखा था। गीता का 6 साल का बेटा बादल चुपके से 250 ग्राम चावल किराने की दुकान पर ले गया और चावल को बेचकर टॉफी खरीद ली। ये बात जब गीता को पता चली तो वो डंडे से बादल को मारती हुई घर लाई और घर पे भी काफी देर तक बादल को पीटा। पिटाई से बादल की हालत खराब हो गई और थोड़ी ही देर में उसने दम तोड़ दिया। बादल के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गीता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गीता को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जहां गीता अब अपने किए पर पछता रही है, वहीं गीता का पति अब गीता को सजा दिलाना चाहता है। फिलहाल घटना होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस और पशु तस्करों के बीच इन दोनों शय और मार का खेल तेजी पर है। इसी के चलते पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा है, जिस पर सेना का स्टिकर लगा हुआ था और उसमें तस्करी को लाए गए पशु भरे हुए थे। शाहजहांपुर की कटरा पुलिस को एक ट्रक दिखाई दिया था, जिस पर की सेना का स्टिकर लगा हुआ था। जब पुलिस ने उस ट्रक को रोकने की कोशिश की तो जो पशु तस्कर थे वो ट्रक को लेकर भागने लगे। इसके बाद जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो पशु तस्करों के जो ट्रक था, जिस पर सेना का स्टिकर लगा हुआ था, उसने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने तक की कोशिश की। हालांकि बाद में पुलिस ने उनका पीछा करके ट्रक तो बरामद कर, लेकिन जो पशु तस्कर थे वो मौके से फरार हो गए। जब पुलिस ने देखा तो उस पर सेना का स्टिकर लगा हुआ था, साथ ही पीछे उसमें जानवर भी भरे हुए थे जिनको तस्करी के लिए ले जाया गया था। हालांकि इससे पहले भी पशु तस्कर अपनी तस्करी के लिए नीली बत्ती तक का गाड़ी का इस्तेमाल कर चुके हैं। साथ ही बरेली में एक टूरिस्ट बस तक का इस्तेमाल पशु तस्करी के लिए किया जा चुका है। ऐसे में एक बात साफ है कि जिस तरीके पशु तस्कर हैं वो लगातार एक नए से नए तरीके इजाद कर रहे हैं, तो पुलिस खुद को हाईटेक होने का दावा कर रही है। फिलहाल बरेली परिक्षेत्र के DIG का कहना है कि पशु तस्करों के खिलाफ उनका यह अभियान लगातार जारी रहेगा। देवरिया जनपद में विगत देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब एक अनियंत्रित जीप और बाइक दोनों ओवरब्रिज से नीचे गिर पड़े। मामला है जनपद के गोरखपुर स्थित ओवरब्रिज पर, जहां देर रात एक अनियंत्रित जीप ने तेज ठोकर बाइक सवारों को मारी। इस बाइक पर दो पुलिसकर्मी सवार थे। जीप ने पुलिसकर्मियों की बाइक को पीछे से तेज ठोकर मारी, जिसके चलते दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और जीप और बाइक दोनों ओवरब्रिज से नीचे गिर पड़ी। जीप में सवार ड्राइवर सहित 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ओवरब्रिज से नीचे गिरने के कारण जीप और बाइक के चीथड़े उड़ गए। ओवरब्रिज के ऊपर से नीचे गिर गया, मोटरसाइकिल भी गिर गई है, जिसमें 5 लोग घायल हैं। इसमें मोटरसाइकिल से 2 पुलिसकर्मी आगे आगे जा रहे थे, उनको भी इसने टक्कर मारी है, जिससे ये भी घायल हुए हैं। इसे महज एक घटना कहें या इत्तफाक, इसके पूर्व भी मार्च महीने में यहां 2 बड़े हादसे हो चुके हैं और ये भी हादसा इसी मार्च महीने में हुआ है। 12 जून से शुरू होने जा रही उत्तराखंड की सबसे प्राचीन व धार्मिक कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। इस बार यात्रा को और अधिक बेहतर बनाने और यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराने के मकसद से निगम स्तर पर 8 सदस्यीय रैकी टीम का गठन किया गया है। ये रैकी टीम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी पड़ावों का जायजा लेगी और वहाँ की जो पूरी रिपोर्ट है वो निगम को प्रेषित करेगी। यानी इस बार की यात्रा जहाँ कुमाऊं मंडल विकास निगम के लिए बेहद खास है, वहीं इस यात्रा से जुड़े हुए पर्यटन कारोबारियों के लिए भी किसी सौगात से कम नहीं। अब देखना होगा कि कुमाऊं मंडल विकास निगम किस तरह से यात्रियों को और अधिक बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराती है